इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है बता दे रहे, इसमें चाका जाम घूम रहा है, स्पीड कम हो गया है, माइलेज कम हो गया है और मोटर भी गर्म हो रहा है। इसका कनेक्शन एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। दाएं तरफ रेड है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद येलो है, उसका वो नंबर नहीं मिलता है, तो ये टायर लगा सकते हैं। देखिए ये MRF का है, जो नंबर है देखा 9090। तो देखिए वाटर प्रूफ करने के लिए आप, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प MK। आज आप लोगों को दिखाएंगे इस BLDC मोटर का बियरिंग चेंज करके। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये रियो LI मॉडल है और इसका BLDC मोटर का बियरिंग कैसे चेंज करता है आज वीडियो में दिखाएंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है बता दे रहे, इसमें चाखा जाम घूम रहा है, स्पीड कम हो गया है, माइलेज कम हो गया है और मोटर भी गर्म हो रहा है और चाखा प्ले हो रहा है, मतलब दाएं और बाएं इधर उधर कर रहा है। तो इसका मोटर खोल के बियरिंग चेंज करेंगे, बियरिंग का कितना नंबर है बताएंगे और ये कितना खर्चा आएगा, बियरिंग का प्राइस क्या है आज का वीडियो में बताएंगे। और मोटर खोलेंगे तो मोटर का हॉल सेंसर जो कनेक्शन होता है वो भी आप लोगों को एक बार दिखा देंगे। एम्पियर रियो LI मॉडल पर मोटर हॉल सेंसर कनेक्शन कैसे होता है। तो चलिए चाखा खोल लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए चाखा खोल लिया, उसके बाद मोटर को ओपन करेंगे। मोटर ओपन करना डिटेल्स दिखाएंगे इस वीडियो में, कैसे मोटर को ओपन करता है। इजी प्रोसेस है, कोई पुलर उलर कुछ नहीं लगेगा, इजी प्रोसेस से दिखाएंगे। और ये मोटर ओपन करने से पहले दोनों तरफ जो एलंकी बोल्ट है वो बोल्ट खोल लेना होगा एलंकी से दोनों साइड का। और देखिए एम्पियर रियो बाहर खड़ा हुआ है और यहाँ पर मोटर का काम हो रहा है, अभी फिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे स्टार्ट करके चाखा घुमा के। तो देखिए ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आप लोग खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं। अगर बियरिंग यहाँ पर अटक जाता है तो ये जैक पिन कुछ कुछ मॉडल पर खोलना पड़ता है। अगर बियरिंग इजी निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो इसको कनेक्शन खोल लेना होगा। खोल लेने से पहले अच्छा से इस कनेक्शन को देख लेना होगा, मतलब कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होगा। तो देखिए ये जो खोलने का प्रोसेस है, इधर एक लॉक होता है, लॉक शुरू जो स्क्रूड्राइवर होता है पतला सा, वो लॉक दबने से ही उधर निकल जाएगा वायर। आप देखिए मोटर का जो एलंकी बोल्ट है सभी बोल्ट को खोल लिया, अब इसको ओपन कर लेंगे। दोनों तरफ सही से देख लेना होगा, सभी बोल्ट खोल के इसको खोलना होगा। तो इसका जो ओपन का तरीका है, मोटर को कैसे खोलेंगे, ये इजी प्रोसेस है, कोई पुलर उलर नहीं चाहिए। अब लोगों को दिखा देंगे कैसे खोलना है। और देखिए इस एम्पियर रियो LI मॉडल पर कौन सा टायर रहता है वो भी एक बार दिखा देते हैं। अगर जो टायर रहता है कंपनी का लगाया हुआ वो नंबर नहीं मिलता है तो ये टायर लगा सकते हैं। देखिए ये MRF का है, MRF लिखा हुआ है और यहाँ पर जो नंबर है दिखा देते हैं। देखिए 9090 10 इसका नंबर है, देखिए 9090 10 ये टायर नंबर एम्पियर रियो पर लग जाएगा, रियो LI पर भी लग जाएगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मोटर का ओपन करने का प्रोसेस है आसान सा प्रोसेस, यहाँ पर ज़मीन पर रखिए और ऐसे करके ठोकिए। देखिए जैसे हम दिखा रहे हैं ऐसे करके ठोकिए, इधर ठोकिए उधर ठोकिए, दोनों तरफ ठोकिए तो कवर निकल के आएगा। देखिए इधर ठोके हैं फिर दूसरे तरफ ठोके हैं, ऐसे करने से जो मोटर का कवर होता है वो निकल के आ जाएगा। देखिए ऐसे करके आपको निकल के दिखा दे रहे हैं कैसे करना है, धीरे धीरे ठोकने से ही नीचे कवर खुल जाएगा। आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखिए कवर खुल गया एक तरफ और दूसरे तरफ भी ऐसे करके खोल लेना होगा। नीचे एक काट का गुटका दे सकते हैं, ठोकने पर जो एक्सेल होता है वो थ्रेड खराब ना होए इसीलिए। तो चलिए इस कवर को खोलते खोलते कुछ बात बताते हैं। अगर दूसरा मॉडल का इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपके पास, उसका मोटर कैसे ओपन करता है, बियरिंग कैसे चेंज करता है, वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो हो जाके देख सकते हैं। सभी मॉडल पर लगभग एक ही प्रोसेस होता है, जो बियरिंग का नंबर होता है वो अलग अलग होता है। तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, ऐसा बहुत सारा वीडियो है जाके देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो देखिए इधर भी कवर खोल गया, इस कवर को भी निकाल लेंगे और मोटर का जो स्टार्टर होता है वो नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको सिर्फ बियरिंग चेंज करना है। तो ये दोनों बियरिंग चेंज कर देंगे। तो देखिए जो मोटर का स्टार्टर जो रहता है, ये स्टार्टर मतलब जो मोटर कॉयल जहाँ पर रहता है, और मोटर का जो हॉल सेंसर रहता है ये है सेंसर प्लेट। देखिए इसका कनेक्शन एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए इसका जो कनेक्शन है, ये दाएं तरफ रेड है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लू वायर है। तो ऐसे करके इस सेंसर प्लेट का कनेक्शन होता है। चलिए अब बियरिंग दिखाते हैं चेंज करके, कितना नंबर है क्या है।
तो देखिए ये दोनों प्लेट से हमने बियरिंग निकाल लिया। ये पुराना वाला बियरिंग है, ये ज़्यादा ख़राब हो गया है, पूरा आवाज़ आ रहा था, हिल रहा है, और ये भी ख़राब हो गया। तो दोनों बियरिंग चेंज करेंगे, दोनों बियरिंग चेंज करने से ही सही रहेगा। एक अच्छा है और एक ख़राब हो गया, ऐसा मत करिए, दोनों ही चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये है नया वाला बियरिंग, SKF कंपनी का है, और बियरिंग में SKF कंपनी अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा बियरिंग है। और इसका जो नंबर है ये है 6204-6204, 2RS नंबर है। 2RS मतलब इसका जो ऑयल सील है दोनों तरफ कवर रहता है, जो ब्लैक वाला कवर देख रहे हैं आप, ऑयल सील लगा हुआ है, पानी घुसेगा नहीं। इसको डस्ट सील भी कहता है, ये जो ब्लैक देख रहे हैं बियरिंग के ऊपर लगा हुआ है दोनों तरफ, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा होता है, 2RS बियरिंग बोलता है इसको। अगर आप 2RS बियरिंग नहीं लेते हैं, ओपन बियरिंग होगा तो प्राइस बहुत कम हो जाएगा। तो आप 2RS बियरिंग ही लगाइए, क्योंकि मोटर जो है ये पानी में भी चलता है, तो पानी घुस जाने से जल्दी ख़राब हो जाएगा बियरिंग, इसीलिए 2RS बियरिंग ही लगाइए, अच्छा कंपनी का बियरिंग लगाइए। थोड़ा प्राइस ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन काम जो होगा वो अच्छा होगा, बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि मोटर जो होता है ये बार बार नहीं खोलना पड़ता है, इसीलिए अच्छा सा दीजिए, बहुत दिन तक चलेगा। और इस बियरिंग का जो प्राइस है, एक बियरिंग का प्राइस है 275 रुपया। तो चलिए अब लगा लेते हैं, और इसको वाटरप्रूफ भी करना है, इसीलिए आपको दिखा देते हैं क्या देना होगा। और इस कवर के दूसरे तरफ दो डस्ट कैप रहता है, ये डस्ट कैप भी लगा दीजिए, पानी नहीं घुसेगा, ये नहीं रहने से पानी जल्दी से घुस जाएगा। तो देखिए वाटरप्रूफ करने के लिए आपको ये रेस बॉन्ड देना चाहिए, ये कम खर्चा में हो जाता है। बियरिंग का जो प्लेट है ये प्लेट दोनों तरफ दे दीजिए, अच्छा से दे के मोटर में लगा देंगे। तो चलिए वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब मोटर का जो कवर होता है वो लगा देंगे। तो देखिए इधर लगा देते हैं, और ये कवर जो खोलेंगे, कौन सा साइड का कौन सा कवर है वो आपको ध्यान पर रखना होगा, और बियरिंग पर ग्रीज करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ठोक लेते हैं, और दोनों तरफ कवर लगा के एलंकी टाइट कर लेते हैं। इधर थोड़ा फंसा लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जब लगाएंगे तो इधर निकल जाएगा, तो इसीलिए दो चार एलंकी फंसा लेने के बाद इधर लगाइए। तो ऐसे करके लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगा, मोटर भी जो मोटर का कॉयल होता है वो भी डैमेज नहीं होगा, ये सही प्रोसेस है। और दूसरा मॉडल का हॉल सेंसर, मोटर बियरिंग, मोटर कैसे खोलता है देखना चाहते हैं, कनेक्शन कैसे करता है, तो सारा वीडियो मेरे चैनल पर है, ये सब वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और इस वीडियो का आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप चाखा लगा के, चाखा आपको घुमा के दिखाते हैं। तो कनेक्शन लगा दिया, देखिए जैक पिन पर जो कनेक्शन होता है, दूसरे तरफ पेस्ट रहता है, ये दे दिया, और ब्रेक शू भी लगाया, दिखाएंगे आप लोगों को। और ये बता देते हैं, देखिए इस एम्पियर रियो में ये एक वाशर रहता है, ये भी वाइटल चीज़ है, देखिए ये पर यहाँ पर लगता है, अगर ये वाशर नहीं देते हैं तो चाखा जाम घूमेगा, वो भी ध्यान देने का बात है। और ब्रेक शू लगा दिया नया, इस ब्रेक शू का जो साइज है 110mm का कोई भी साइज का ब्रेक शू लग जाएगा। और इधर जो है इधर भी पेस्ट दे दिया, इधर भी पानी घुस जाता है तो पेस्ट दे दिया। तो चलिए आप गाड़ी को फिटिंग कर देते हैं, चाखा घुमा के दिखाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट कर देते हैं। और एक बार आप लोगों को मोटर का कनेक्शन बता देते हैं, ये कलर मिला के लगाना होता है, जो ग्रीन के साथ ग्रीन, येलो के साथ येलो, और ब्लू के साथ ब्लू, और जो सेंसर का वायर है वो जैक पिन होता है। तो चलिए फिटिंग हो गया, अब मोटर घुमा के दिखाते हैं। तो देखिए एक्सेलेटर दे रहे हैं, मोटर घूम गया, और मोटर का स्पीड भी ज़्यादा हो गया, स्पीड जो है आपको दिखा देंगे आप लोगों को। तो ये अच्छा सा घूम रहा है, मोटर का स्पीड सही है, और साउंड भी नहीं हो रहा है, ये साउंड हो रहा था पहले धड़ धड़ करके, आप लोगों को साउंड एक बार सुना देते हैं मोटर का। तो देखिए सुन सकते हैं, पूरा स्मूथ साउंड है, पहले घड़घड़ घड़घड़ कर रहा था, और हमारे यहाँ बगल में ही मेन रोड है तो नॉइज ज़्यादा होता है, तो आप लोगों को साउंड भी सुनाया है। और एक बार स्पीड भी दिखा दे रहे हैं, देखिए कितना स्पीड आ रहा है, पीछे का चक्का घूम रहा है, तो देखिए 39 स्पीड आ रहा है, पहले स्पीड कम था, 34-35 स्पीड था ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज आप लोगों को दिखाया है इलेक्ट्रिक स्कूटर पर BLDC मोटर का बियरिंग कैसे चेंज करता है, आसान प्रोसेस से, आसान तरीका से। इसी तरह नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, टेक्निकल हेल्प M के चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी YouTube में नया नया वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
और कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसा नहीं लगता। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।